व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था वो था 26 अप्रैल को। मेरी फर्स्ट जो एग्जाम थी ऑफलाइन, वो मेरी फर्स्ट टर्म टेस्ट एग्जाम थी, तो मैंने उसका व्लॉग बनाया था। और उसके बाद मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो मैं बिजी हुआ उसके बाद तुरंत हम लोग की प्रैक्टिकल एग्जाम थी, और प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद अभी ये एंड सेम एग्जाम, तो भाई उसका प्रिपरेशन था बहुत, था मगजमारी। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मुझे कुछ अपडेट देने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने छोटा सा कम्युनिटी पोस्ट डाला था जो आपने देखा होगा। क्वेश्चन बैंक तो भाई पूरी सॉल्व हो गई है। अब भाई मेरा जो 10th और 12th का जो सीन था, 10th और 12th में मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। 10th में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट 12th में एक चीज़ जो मैंने मैथ्स और बाकी सब जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स उसमें क्या किया था कि मैं जो सम्स है वो मैं उसके स्टेप याद रखता था कि भाई ये सम का ऐसा है, बट मैं जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर याद नहीं रखता था। अभी मैं आपको इन सिंपल टर्म समझाऊँ तो एक फॉर्मली डिफाइंड प्रोसीजर होता है गाड़ी चलाने का। गाड़ी में अलग चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, बाइक में अलग चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। इसका फॉर्मेट प्रोसीजर या जो भी है वो ये है, और ट्रक का ये है, बाइक का ये है, मेरे को बाइक ऐसे चलाना है, गाड़ी ऐसे चलानी है, तो यू कैन लिटरली बी परफेक्ट एट इट, राइट। अब मेरी जिंदगी की मुझे लग रहा है लास्ट मैथ्स एग्जाम है। कुछ लोग बोल रहे हैं 7th सेम में एक पाइथन का कुछ बिग डेटा का था, तो वो तो देख लेंगे तभी का तभी, बट अभी के लिए तो भाई देखो मैंने ये पूरा जो है ये पूरा बैठ के कल और आज में पूरा सॉल्व किया। एक उठाली पानी की बॉटल भाई, क्योंकि आईपीएल के स्टेडियम में बॉटल अलाउड नहीं है कोई भी मेटल की चीज, तो मैंने बोला भाई ये लेके जाएंगे। अभी वो साइड पे आ गई अपनी ट्रेन, तो फटाफट भाग के जाते अभी। और देव भाई आज ये हुए यार, ये हुए खत्म होने के बाद आईपीएल, उसके बाद आईपीएल, उसके बाद डीबीएमएस ओएस और लास्ट माइक्रो प्रोसेस, फिर खत्म, उसके बाद मजे। पर रिजल्ट में मजे आएंगे कि नहीं भाई? लास्ट टाइम तो मैं जब ट्रेन में आया था मैंने टाइम वेस्ट बहुत किया था, अभी फटफट रिवाइज करेंगे। और अभी आपको मिलते हैं सीधा एग्जाम खत्म होने के बाद, मैं भी शूट भी कर पाऊंगा। हम लोग उतरे हैं चर्च गेट स्टेशन, अभी इधर से जाएंगे भाई। क्या फोन है यार, मतलब हाथ में देख के मालूम पड़ता है चीज है। मैं मेरे भाई के ब्लॉग से फोन कर रहा हूँ, मेरे में थोड़ा डार्क होगा सीन। और ये देखो देव, एक नंबर लग रहा है। मेजॉरिटी जितने भी ब्लॉगर्स हैं सब लोग 60 फ्रेम पे शूट करते हैं। अभी हो रहा है टाइम 10:45। देव मैच कैसी लगी? सच सच बता। अच्छी चल रही है, थोड़ी नॉर्मल सी है, पर मतलब इतना कुछ एक्साइटिंग हो नहीं रहा है। बट अभी होगा। अभी एक्चुअली 39 रन ही है और 24 बॉल्स है, तो देखते हैं 27 बॉल, तो अभी इट इज 10:45। अभी टाइम हो रहा है 11:30 इन द नाइट, और अभी हम लोग का प्लान है गिरगांव चौपाटी जाने का, और वहाँ से कुछ जूस व्यूस कुछ खाने का पीने का प्लान है। तो मैं और देव एक्चुअली इनफैक्ट पहली बार ऐसे मुंबई लाइफ नाइट लाइफ मतलब विटनेस करेंगे। एक्चुअली मेरा भाई और मेरे भाई है और उसके दो दोस्त है, तो मतलब वो लोग तीनों और हम लोग ये उठाए 4 बजे से, 6:30 को सोया था ये, मैं उठा हूँ 7 बजे, 7 से लेके अभी तक तो मतलब ऑलमोस्ट 12 प्लस 4 हो गया, तो तब से जाग रहा हूँ मैं। बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे ध्रुव को तो मैंने व्लॉग में लिया ही नहीं यार। ध्रुव फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय ध्रुव, व्हाट्स अप? ऑल गुड ब्रो, कुछ स्पेशल है उसके बाद? न्यू हेयर कट, कांग्रेचुलेशंस ध्रुव। और साहिल, हाउ आर यू मैन, हाउ आर यू? तो साहिल और ध्रुव मेरे भाई के कॉलेज टाइम के दोस्त है, और ये लोग मतलब एक और है ऋतुराज, बट वो बाहर है, तो ये लोग चारों साथ में मिलके भाई ये कुछ ज्यादा ओवर द लेवल वाले गैंग है, तो हम लोग
क्रिकेट देव को एक्चुअली बीच मैच से बाहर, बीच मैच से नहीं लास्ट के दो ओवर से बाहर आना पड़ा क्योंकि हम लोग का हाँ यार अभी हम लोग की जो बाइक थी ना वो लोग ने ले ली थी, हम लोग का होल्ड टिकट और आई कार्ड सब कुछ था उसमें। दोस्त यही सोच रहे हैं कि बैचलर्स में सो साहिल एज इंट्यूशन की ये बेटर होगा। अमर क्या है ए हाँ अमर अमर इज बेटर यार, अमर में ट्राई कर दो। कॉस्टली ऐसा ही होगा। और ये टोयोटा की सबसे थर्ड जनरेशन लैंड क्रूजर है ये, टिल आई एम नॉट रॉन्ग, ये लैंड क्रूजर है, लैंड क्रूजर। वेरी सॉरी जी, मैं अभी थोड़ा विंड ब्लास्ट भी आ रहा होगा, मेरे पास गोप्रो नहीं है, माइक नहीं, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरा प्लान था लाने का बट वो सब नहीं हो पाया, तो मैंने बोला अभी मेरे भाई के फोन से, पहले पुराने दिनों में मैं ब्लॉग बनाता था वैसे आज बना दे रहा। रूम संभाल के गिरना मत। टाइम बाद रात को इतना लेट हम लोग ने खाया और मैं साहिल ध्रुव पूजन और देव, तो काफी मजा आ गया यार। मतलब हम लोग ने फटाफट वो भी खा लिया, इतना भी लेट नहीं हुआ। अभी जूस पियेंगे, ध्रुव ने बोला भाई जूस पी के जाएंगे। इधर हम लोग ने एक्चुअली मंगाया था पर कैंसिल कर दिया था, अभी बाहर एक फेमस है उधर पी के निकल पी के मतलब जूस पियेंगे। तो अभी मेरा मन तो नहीं था जूस पीने का, तो इट इज ऑलमोस्ट 12:30, अभी हम लोग निकल रहे, बस देव जूस पी रहे। Alright guys, so this was it for the vlog. अभी मुझे भी पता है कि vlog में थोड़ा ऊपर था नीचे था मुझे भी नहीं मालूम, मतलब vlog was a little bit mixed up of a lot of days क्योंकि in fact मैंने जब shoot किया था तो मैंने एक साथ shoot नहीं किया, मैंने थोड़ा थोड़ा काफ़ी कुछ इससे ज़्यादा shoot किया था, but मेरे को जो best लगा, जो parts best लगे वो मैंने share करना सोचा और इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। So right now it is 10:45, मेरी OS की एग्ज़ाम है, तो अभी मेरी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो OS की है, तो उसके लिए आज अपने पढ़ाई चालू करेंगे। तो मैंने कल लेट रात तक बैठ के एडिटिंग किया, मैंने बोला भाई अभी अगर कल मैंने एडिटिंग नहीं किया होता तो आज भी नहीं हो पाता, व्हाट्स एवर रीज़न इफ़ यू गाइस एंजॉय। भाई मैं एंड भी नहीं कर पाया ब्लॉग क्योंकि वो दिन रात को हम लोग इतना थक गए थे। तो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा एग्ज़ाम बस अभी ख़त्म होने आई है, तो व्लॉग्स तो अभी आप पकड़ लो कि भाई अभी आते रहेंगे। और एक और चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया व्लॉग में, वो मतलब मैंने शूट किया था बट मैं आप लोग को बताना भूल गया, वो ये है कि अपना जो गोप्रो है उसकी मैंने एक स्किन खरीदी थी, अभी मैंने इसका थोड़ा शूट किया था बट फिर मैं बताना मतलब मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो, तो गोप्रो कुछ ऐसा लग रहा है अभी अपना, एज यू कैन सी एक नंबर लग रहा है। तो बस दिस वॉज इट, see you guys in the next one, bye.